फ्रेंड्स, दोस्तों आज आप लोगों के लिए यहाँ पे एक बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें कि आपको टेक्निकल एनालिसिस जीरो से बिल्कुल ही जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं और ये एपिसोड 1/2 1/1 करके आप लोगों के लिए बनाते रहेंगे, लाते रहेंगे, ठीक है। और दोस्तों जिनको बिल्कुल भी कुछ नहीं आता टेक्निकल एनालिसिस का वो यहाँ पे सीख सकते हैं, बिल्कुल ही सरल भाषा में आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आप सीखने का कोशिश कीजिएगा, आज बहुत ही बेसिक से पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिएगा। और दोस्तों बेल आइकन को जरूर दबाइएगा ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो सबसे पहले वो आपके पास में नोटिस जाएगा। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों बोर्ड पे ले चलते हैं और यहाँ पे सबसे पहले आप लोगों को बताते हैं चार्ट में सबसे पहले क्या कैंडल स्टिक पैटर्न आप लोगों को बताते हैं, जिससे वीडियो में आप लोगों को बताए हुए थे कि किस तरीके से कैंडल क्या होता है, ये सारा चीज़ बेसिक क्लियर क्यों, टेक्निकल एनालिसिस क्यों पढ़ना इंपॉर्टेंट है, जानना क्यों जरूरी है, सारा चीज़ दोस्तों पीछे जो वीडियो बनाया है उसमें सारा आपको कवर किया हुआ है, ठीक है। तो आप क्या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लिंक दिया हुआ, आप जाकर वो वीडियो दोबारा देख सकते हैं। और यहाँ पे आज आप लोगों को चार्ट पैटर्न पढ़ाना चाहेंगे, ठीक है। यहाँ पे जो चार्ट पैटर्न है दोस्तों, इसमें चार्ट पैटर्न जो आप लोगों को पढ़ना है, इसमें आप लोगों के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, कैंडलस्टिक पैटर्न, ठीक है। ये दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न आज पढ़ाने जा रहे हैं। प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के लिए क्या है यहाँ पे कवर कर दिए कि कैंडल क्या होता है, ठीक है, सारा चीज़ कितने टाइप की कैंडल होता है, इच एंड एवरीथिंग वहाँ पे डिस्क्राइब है बहुत ही सरल भाषा में, ठीक है दोस्तों। अब चलिए कैंडलस्टिक पैटर्न चलते हैं। यहाँ पे इसमें जो सबसे फर्स्ट पैटर्न है वो दोस्तों हैमर है, ठीक है। हैमर क्या होता है ये बताते हैं। इसके अंदर क्या कोई भी दोस्तों जो कैंडल फॉर्म होता है ना, उसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है वो पूरा दोस्तों आपको डिफाइन करेंगे 1/1, और किस तरीके से ट्रेड करके इसमें पैसा आप बना सकते हैं मार्केट से, ये भी दोस्तों आपको बताएंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। चलिए दोस्तों यहाँ बताते हैं आपको हैमर क्या होता है। हैमर सबसे पहले एक बेसिकली क्या होता है, एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। ये दोस्तों एक ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ये क्या करता है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ये दोस्तों क्या करता है, ये आता हुआ डाउन ट्रेंड को, ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा है ना दोस्तों, ये डाउन ट्रेंड आता हुआ डाउन ट्रेंड को यहाँ पे बॉटम में फॉर्म होकर के इसको क्या करता है दोस्तों, अप ट्रेंड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है, ये अप ट्रेंड में दोस्तों कन्वर्ट करता है। तो बेसिकली क्या है, एक ये ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है। ये कहाँ फॉर्म होता है दोस्तों, बॉटम में फॉर्म होता है। अब देखिए ये हैमर फॉर्म क्यों होता है, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि यहाँ पे ये हैमर क्यों फॉर्म हुआ, इसके पीछे का क्या साइकोलॉजी है दोस्तों, पूरा डिस्क्राइब करके आपको बताएंगे कैसे ये हैमर फॉर्म होता है, क्यों ये हैमर फॉर्म होता है, ठीक है। अभी दोस्तों आपको ले चलते हैं हैमर क्यों फॉर्म होता है इस क्वेश्चन में। सबसे पहले यहाँ देखिए क्या होते रहता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए आपको लगते रहता है कि ये स्टॉक क्या होने वाला है, ये आपको 300 के ऊपर ये जाने वाला। अभी दोस्तों देखो 325 चल रहा है, आपको लगता है कि ये स्टॉक 350 चल जा सकता है, ठीक है। आप क्या करते हैं यहाँ पे, आप दोस्तों यहाँ पे बाई करते हैं, ठीक है। आप क्या करते हो यहाँ पे बाई करते हैं, ये सोचे कि ये 350 जाने वाला है, बट होता क्या है दोस्तों, ये 350 नहीं जा करके ये आ जाता है कहाँ पे, 300 यहाँ पे 290 के रेट पे आ जाता है। अब आप यहाँ पे एक अनजान है, आपको दोस्तों कुछ नहीं पता है कैंडल क्या होता है, ये क्या पैटर्न है, किस बेसिस पे काम करना, आप सिर्फ प्राइस देखते हैं, मार्केट में प्राइस का जो मूवमेंट होता है वो देखते हैं, और कुछ जो न्यूज़ आते रहता है या कुछ भी आपको लगता है ऐसा कहीं से सुना हुआ बात होता है कि हाँ ये अब 300 का रेट है, 350 जाने वाला है, चलो मैं इसे बाय कर लेता हूँ, ये सोच के आप इसे बाय करते हैं। बाय जैसे ही आप करते हैं तो आप क्या हो गए दोस्तों, यहाँ पे डिमांड, ठीक है, आप यहाँ पे डिमांड करने वाले हो गए। बट जैसे ही आप डिमांड करते हैं आप हो गए यहाँ पे रिटेलर, ठीक है, छोटे यहाँ पे रिटेलर हो गए। और यहाँ पे क्या होता है, आपके अगेंस्ट में जो ऑपरेटर मार्केट के हैं, जो बिग प्लेयर हैं, वो यहाँ पे दोस्तों क्या करते हैं, आपके अगेंस्ट में सेल करते हैं, ठीक है। अब ये जो सेल करते हैं ऑपरेटर, इनका जो वॉल्यूम है ना वो आपके बाय से यहाँ डिमांड से ज्यादा है, मीन्स इनका जो सप्लाई है दोस्तों, ये जो सप्लाई है ना ये ग्रेटर देन डिमांड है, ठीक है। ये दोस्तों क्या है, ग्रेटर देन डिमांड है, सप्लाई ग्रेटर देन डिमांड है, तो प्राइस ऊपर नहीं जाकर क्या होगा, प्राइस यहाँ से नीचे आ जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा दोस्तों, ये 290 आया, फिर यहाँ पे ये सेल होगा, सेम चीज होगा, फिर दोस्तों क्या होता है स्लोली ये 290 आया, 280, 270, जैसे ही 270 का रेट दोस्तों आता है
लोग सोचते अब सोचने लगते हैं कि जो स्टॉक इतना फंडामेंटली स्ट्रांग था, 350 का लेवल जा रहा था, वो अब इतना नीचे आ गया। ठीक है, आप यहाँ तक हिम्मत करके एवरेज करते रहते हैं, और जैसे ही स्टॉक इस लेवल पे आता है, अब क्या होता है दोस्तों, इसके अंदर ना एक आ जाता है कि ये आपको ना सुनने को मिलेगा कि ये स्टॉक बहुत ही कमजोर हो गया, इसको बेचिए, आप बेच सकते हैं, ये बहुत गिरने वाला है। अब आप क्या करते हैं, जैसे ही न्यूज सुन लेते हैं या कुछ भी दोस्तों आपको ऐसा लग जाता है कि ऐसा होने वाला है, तो आप क्या करते हैं, पैनिक में आकर के आपका जो यहाँ पे बाय में जो पोजीशन था ना, आप सोचते हैं इससे मैं एग्जिट ले लेता हूँ, और एग्जिट लेकर के मैं दोबारा सेल में पोजीशन बना लेता हूँ, एटलीस्ट मुझे कम ही लॉस होगा ना, मैं यहाँ से एवरेज करता हुआ आया हूँ। ठीक है, तो आप सोचते होंगे यहाँ पे एटलीस्ट कर लेता हूँ, बिकॉज अब आपको ये 250 का रेट दिख रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है 270 है, वो 265-60 वो फ्लक्चुएशन होके आपको दिखाते रहता है, तो आप क्या करते हैं इसको यहीं पे कवर कर लेते हैं। और यहाँ पे दोस्तों आपके साथ साथ कोई और भी सुनने वाले होते हैं, उन्हें भी सुनाई देता है कि हाँ ये स्टॉक तो बहुत गिरने वाला है, तो ये भी क्या करते हैं बाय से आप यहाँ पे क्या सर दोस्तों ये फ्रेश सेल करने लगते हैं। ठीक है, ये पोजीशन सेल में लेते हैं, और ये क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे, ये तो यहाँ पे भी सेल किए, यहाँ पे भी सेल किए। ठीक है, अब क्या होता है यहाँ पे सेल हुआ जैसे ही दोस्तों, तो यहाँ पे आपको ना ये एक हैवी वॉल्यूम, ये दोस्तों ऐसा आपको दिखाएगा कि देखो प्राइस नीचे जा रहा है। ठीक है, ये दोस्तों ऐसा दिखाएगा, ये देखो आपको क्या है, मान के चलो ये एक दोस्तों रनिंग कैंडल है। ठीक है, जैसे 9:15 में क्या हुआ, आपका मार्केट ओपन हुआ, तो आपको पता है क्या अर्ली कैंडल का क्लोजिंग कहाँ होता है, 10:15 में होता है। ये दोस्तों जो रनिंग कैंडल है ना, वो ऐसा आपको बनेगा। ठीक है, आपको दिखाएगा कि देखो प्राइस, आपको हो सकता है एक बार ये प्राइस ना 250 भी दिखा दे। ठीक है, हो सकता है ये 250 दिए, 200 मतलब 260 भी दिखा दे, तो मतलब यहाँ पे 270 के पास ना आपको दिखाता है कि देखो ये नीचे जाने वाला है, तभी तो आप इसमें से एग्जिट कर जाते हो ना बाय से। ठीक है, तो आपको ये फ्लक्चुएशन दिखाते रहता है, होता भी दोस्तों ऐसे, ये एक ऐसे करके दोस्तों ये नीचे आएगा। ठीक है, प्रेशर खाते नीचे आता है, अब आप क्या करते हैं बाय से एग्जिट होकर के सेल में एंटर कर जाते हैं। मेन तो ऑपरेटर जो होते हैं बिग प्लेयर इस मार्केट के, उनका तो मोटिव ही होता है कि आपको बॉटम पे क्या करेंगे, सेल में सेल करवा के ट्रैप कर देंगे, और खुद ही क्या करेंगे बॉटम से माल उठा के टॉप पे बेचते हैं। ठीक है, इनका मोटिव क्या है, जो इन्होंने टॉप पे सेल किया ना, उसको यहाँ पे बॉटम में आकर के कवर करना। ठीक है दोस्तों, जो इन्होंने यहाँ पे टॉप पे सेल किया उसको बॉटम में आके वो कवर कर लेंगे, तो यहाँ पे शॉर्ट सेल में उनको पैसे आ जाएंगे, साथ साथ यहाँ पे बॉटम में फ्रेश बाय भी कर लेते हैं वो, तो फिर वो क्या करते हैं दोस्तों यहाँ पे बॉटम में बाई करते हैं और टॉप पे सेल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे दिखाते हैं, ये रनिंग कैंडल है, अभी इस तरीके का फॉर्म हुआ। ठीक है दोस्तों, जब ये फाइनल कैंडल फॉर्म होता है उस टाइम देखो ये किस तरीके का होता है, उस टाइम दोस्तों ये ऐसा फॉर्म हो जाएगा। एक मिनट दोस्तों बताते हैं, ये इस तरीके का फॉर्म हो जाएगा, यहाँ देखिए रनिंग कैंडल दोस्तों ऐसा, ये जो रनिंग था ना, ये जो फॉर्म होगा फाइनली ना, वो दोस्तों इस तरीके का फॉर्म होता है। ठीक है, वो इस तरीके का फॉर्म होता है, ये हैमर का फॉर्म ले लेता है। ठीक है, ये क्या होता है दोस्तों, ये आपको एक हैमर बन जाता है यहाँ पे, ये दोस्तों इस तरीके जो रनिंग कैंडल था ना, वो इस तरीके का बन जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, ऐसा बन गया, क्यों, ये क्या हुआ, इसके अंदर साइकोलॉजी क्या हुआ दोस्तों, कि आपको बॉटम इसने सेल करवा दिया, खुद क्या किया यहाँ पे, यहाँ पे दोस्तों इसने बॉटम पे एक तो शॉर्ट वाले को इसने कवर किया, यहाँ पे शॉर्ट वाले को क्या किया, कवर किया। ठीक है, और प्लस फ्रेश बाय भी किए। ठीक है, मतलब बाय करके कवर भी किया, प्लस फ्रेश बाय भी कर लिए, मीन्स कि ये क्या किया, डिमांड को बढ़ा दिए। ठीक है, अब आप यहाँ पे हो गए सप्लाई करने, सेल किए तो आप हो गए सप्लाई करने वाले। ठीक है दोस्तों, आप हो गए सप्लाई और ये हो गया डिमांड क्रिएट करने वाला। ठीक है, ये डिमांड किया, जैसे ही इसका डिमांड तेज हुआ आपके सप्लाई से, बस प्राइस क्या होगा दोस्तों, हाइक हो जाएगा, ये आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है, जो यहाँ पे नीचे आ रहा था वो स्टॉक क्या होगा, जैसे ही डिमांड यहाँ पे बढ़ेगा आपका प्राइस हाइक कर जाएगा। तो इस तरीके कैंडल का फॉर्मेशन होता है। फिर क्या होगा दोस्तों, सेकेंड कैंडल क्या होगा, ये भी क्या होगा, बुलिश होगा। ठीक है, सेकेंड कैंडल भी बुलिश होगा, जैसे ही ये कैंडल बुलिश होगा, मीन्स कि यहाँ पे एक पैटर्न फॉर्म हो गया जिसका नाम क्या है, हैमर। ठीक है, हैमर के अंदर साइकोलॉजी समझ में आ गया होगा आप लोगों को, क्या होता है ये, मतलब यहाँ पे पैनिक क्रिएट करके आपको यहाँ पे पोजीशन जो आपका बाय होता है उससे एग्जिट करवा करके आपको दोस्तों बॉटम में आपको सेल करवाता है, खुद यहाँ पे बॉटम पे उठाता है। ठीक है, तो हमारा जो मेनली जो मोटिव होता है, सो हम लोग तो उतने पैसे वाले नहीं है कि हम लोग अपने हिसाब से ट्रेड करेंगे, तो हम क्या करते हैं ना, जो ऑपरेटर होते हैं, ठीक है, तो ऑपरेटर के साथ में थोड़ा सा ट्रेड करके पैसे अर्न कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये जो कैंडल स्टिक जो फॉर्म हुआ दोस्तों, ये मेनली ऑपरेटर क्या कर रहा है उस चीज को ये हमें बताता है कि यहाँ पे ऑपरेटर बाय कर रहा है और आप भी ऑपरेटर साथ में बाय करके कुछ पैसे अर्न कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके का पैटर्न जब भी मिलेगा तो इस पे आप इसके ऊपर बाय कर सकते हैं। अब इसका भी कुछ साइकोलॉजी है, मीन्स कि इसके भी कुछ मतलब वैलिड
कहाँ पे हैमर फॉर्म होगा, जिसको एक वैलिड हैमर फॉर्मेशन कहेंगे या वैलिड पैटर्न कहेंगे दोस्तों, ये भी सीखना जरूरी है। देखिए ये सबसे पहले क्या होता है, इसके पीछे लॉजिक है। हैमर जब भी एक सबसे पहले दोस्तों क्या हो कि हैमर एक क्या है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है, ट्रेंड रिवर्सल पैटर्न है दोस्तों। ये क्या करता है, डाउन ट्रेंड को, ये जो डाउन ट्रेंड आ रहा है ना आपको, डाउन ट्रेंड इसको दोस्तों ये अप ट्रेंड में क्या करता है, कन्वर्ट करता है। ये जो दोस्तों डाउन ट्रेंड आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड ये इसको ये अप ट्रेंड में दोस्तों कन्वर्ट करता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ये जो डाउन ट्रेंड में ये एक डाउन ट्रेंड कंफर्मेशन के लिए, मीन्स कि ये डाउन ट्रेंड है, इसके कंफर्मेशन के लिए एटलीस्ट आपको 20 कैंडल होना ही चाहिए। 20 कैंडल नहीं रहेगा तो बिल्कुल भी कंसिडर मत कीजिए, ठीक है, क्योंकि जितना अच्छा डाउन ट्रेंड रहेगा उतना अच्छा रिवर्सल के चांसेस होते हैं। तीसरी बात दोस्तों, ये जो हैमर कैंडल जो फॉर्म हुआ ना, ये हैमर, ठीक है, ये जो दोस्तों हैमर फॉर्म हुआ, ये आपको बुलिश बियरिश कुछ भी हो कोई मैटर नहीं करता है, ये आपको बस क्या होना चाहिए, ये हैमर होना चाहिए। और ये दोस्तों इसका जो लो है ये अनब्रेकेबल होना चाहिए, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, तभी दोस्तों इसका एक वैलिड पैटर्न मानेंगे इसको। दूसरी बात दोस्तों, ये जो आपका जो सेकेंड कैंडल है ना, ये एक कंफर्मेशन कैंडल होती है कि हाँ अब ठीक है आपका हैमर बन गया है। तो यहाँ पे ये ना, ये कैंडल मस्ट भी बुलिश होनी चाहिए, ये कैंडल दोस्तों मस्ट भी बुलिश होना चाहिए, मस्ट भी बुलिश, ठीक है, बिकॉज ये कंफर्मेशन कैंडल होती है। और जैसे ही इसका हाई, कोई भी थर्ड कैंडल फोर्थ कैंडल कोई भी कैंडल हाई ब्रेक करेगा, आप ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपना पोजिशन बाय में बना सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे। और दोस्तों यहाँ से आपको 1:1 का टारगेट देखने को मिल सकता है। यहाँ पे क्या करें, ये आपका हैमर का लो स्टॉप लॉस होगा, और ये दोस्तों ये आपका क्या होगा, एग्जीक्यूशन पॉइंट होगा। इसमें टारगेट आप निकालेंगे कैसे दोस्तों, देखिए टारगेट कैसे निकालते हैं, एग्जीक्यूशन पॉइंट में से स्टॉप लॉस माइनस कर देंगे। मान के चलो स्टॉप लॉस हो गया आपका 100 का और एग्जीक्यूशन पॉइंट 110 का हो गया, ठीक है, तो आप टारगेट कैसे निकालेंगे, यहाँ पे जो एग्जीक्यूशन पॉइंट माइनस स्टॉप लॉस मतलब 110 माइनस 100, तो आपको कितना आ गया दोस्तों, 10 रुपये आ गया ना। अब आप क्या करेंगे, टारगेट इसमें कैसे लेंगे बताते हैं दोस्तों। यहाँ पे टारगेट के लिए क्या करेंगे, एग्जीक्यूशन पॉइंट प्लस क्या करेंगे, जो डिफरेंस आएगा तो आपको 110 प्लस 10 मीन्स कि 120 हो गया, ठीक है। अब दोस्तों एक चीज आप लोग को बताना चाहेंगे, यदि आप लोग यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, एग्जीक्यूशन पॉइंट पे ही ट्रेड, जैसे एग्जीक्यूट हो आप लोग यहाँ पे ट्रेड करते हो, तो आपको यहाँ पे जो मिलेगा ना 1:1 का मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे टारगेट 1:1 का मिलेगा। बट दोस्तों आप लोग को यदि 1:2 का करना है टारगेट चाहिए, तो आप लोग क्या करो, इसको थ्योरी ऑफ रिट्रेसमेंट पे जाकर के आप ट्रेड कीजिए, वहां पे मिनिमम दोस्तों 1:2 का हमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये क्या होगा दोस्तों, थोड़ा सा ये जाएगा 112 110 के बाद 112-13 जाएगा, वहां से दोस्तों थोड़ा सा ये रिवर्स होकर के आता है अपने रिट्रेसमेंट वैल्यू पे, ठीक है। उसके बाद फिर ये जाकर के दोस्तों आपको टारगेट 120 रुपये का ये दे देगा। तो मीन्स आपको मतलब कैंडल स्टिक पैटर्न भी जान गए, साथ में दोस्तों इसमें क्या होता है, रिट्रेसमेंट थ्योरी जब आप सीख लेंगे ना, फिर क्या होगा कि आप उसके हेल्प से यहाँ पे बहुत ही अच्छा पैसा 1:2 मिनिमम कमा सकते हैं। तो ओवरऑल आपको एक बार बता देना चाहते हैं कि हैमर में मेनली होता क्या है दोस्तों, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक आपको सीखना है कि क्या होता है, बस एक ये रिवर्सल पैटर्न है, ठीक है। और बस ये क्या करता है दोस्तों, ये आता हुआ डाउन ट्रेंड को, ये क्या करता है, आता हुआ डाउन ट्रेंड को, जो डाउन ट्रेंड आ रहा है ना, इसको ये बॉटम में फॉर्म होकर के क्या करता है दोस्तों, अप ट्रेंड में इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। हैमर का लो क्या होना चाहिए, आपको अनब्रेकेबल होना चाहिए, ठीक है। ये कैंडल आपका बुलिश या बियरिश हो कुछ भी कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे जो सेकेंड कैंडल है, ये एक कंफर्मेशन कैंडल होता है, और इसका आपको क्या है, बुलिश होना मस्ट होता है, ये क्या है, मस्ट भी बुलिश, ठीक है, मस्ट भी बुलिश। और जैसे ही दोस्तों यहाँ पे सेकेंड कैंडल का है, थर्ड कैंडल फोर्थ या फिफ्थ कैंडल कोई भी कैंडल ब्रेक करेगा, आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपना पोजिशन बाय में बनाएंगे, और यहाँ से दोस्तों आपको 1:1, 1:2 का टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज बोलना चाहेंगे, ये जो डाउन ट्रेंड है ना, इसके कंफर्मेशन के लिए मिनिमम 20 कैंडल आपको चाहिए ही चाहिए होता है। तो इस तरीके से हैमर दोस्तों मार्केट में काम करता है, जो कि रिटेलर को क्या करता है, ट्रैप कर लेता है मार्केट में, उन्हें लो पे सेल करवाता है, और खुद ही मार्केट में यहाँ पे लो पे ये लोग बाय करते हैं, ठीक है। तो हमें कुछ नहीं करना है दोस्तों, हैमर सीखना है और इसके अकॉर्डिंग ट्रेड करना है। हैमर का फॉर्मेशन का मेन मतलब क्या होता है कि यहाँ पे ऑपरेटर बॉटम में माल को उठा रहा है, तो हम भी उनके साथ में यहाँ पे ट्रेड करके कुछ पैसे जनरेट कर लेंगे इस मार्केट से, ठीक है। अब आपको ले चलते हैं चार्ट पे दोस्तों, कुछ इससे पहले जो प्रीवियस वीडियो हमारा है MGL पे, उस पर दोस्तों उसमें भी शायद हैमर ही बना हुआ है, और उसमें देखिए कितना बढ़िया दोस्तों उसने क्या क्या टारगेट दिया, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों दिखाते हैं, बहुत सारे पैटर्न दोस्तों यहाँ बनते रहते हैं, आप उस पर जाके ट्रेड बना सकते हैं। यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे
बहुत ही बढ़िया दोस्तों आवर्डली चार्ट पे, यहाँ देखिए परफेक्ट हैमर बना हुआ दोस्तों, ठीक है। ये यह देखिए यहाँ पे क्या है, हैमर बना हुआ है और इसने क्या किया, हैमर का कंप्लीट टारगेट दोस्तों इसने दे दिया। देखिए ये क्या है, एक प्रॉपर आपको डाउन ट्रेंड आ रहा है, ठीक है। साथ में क्या है, यहाँ पे एक आपको हैमर ये कैंडल बना हुआ है, ठीक है। 20 कैंडल भी है यहाँ पे दोस्तों, जो सेकेंड कैंडल है वो बुलिश है, बुलिश कैंडल का हाई ब्रेक हुआ। आपको क्या करना, यहाँ पे बाय करना था और यहाँ पे बाय करता हुआ आपको 1:1 का मिलता दोस्तों। और आप यदि रिट्रेसमेंट पे करते, इसका रिट्रेसमेंट वैल्यू दोस्तों था 1065 से 1060, ये 1070, ठीक है, 65 से 70 था। आपने यदि बीच में कहीं भी एंटर किया, देखो इस कैंडल ने 1066 का लो लगाया, तो आपको दोस्तों 1:2 का इसमें देखने को टारगेट हमें मिला, ठीक है। यदि आप यहाँ बाय करते 1080 पे बाय करते दोस्तों, तो आपको यहाँ पे सिर्फ 1:1 का मिलता, बट आपने चूंकि 1070 पे एंटर किया तो आपको यहाँ पे 1:2 का देखने को मिला, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप हैमर पहचान सकते हैं कहाँ पे हैमर बना, बहुत सारा दोस्तों चार्ट होता है। अब देखिए हैमर दोस्तों यहाँ भी बनता है, ठीक है, यहाँ भी बन सकता है, यहाँ भी, बट उसको कंसिडर बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हैमर ही है, बट इसको कंसिडर नहीं करेंगे। हैमर के लिए एक प्रॉपर जो क्राइटेरिया बताएं वो पूरा फुलफिल होना चाहिए दोस्तों, उसके बाद ही उसको कंसिडर करेंगे, हाँ ये हैमर है वहाँ पे बाय करेंगे, ठीक है दोस्तों। यह एक एजुकेशनल पर्पस चैनल है और यहाँ पे जो भी आपको बता रहे हैं ये पैटर्न सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बता रहे हैं और आप यहाँ पे सीख सकते हैं, ठीक है। कोई यहाँ पे ट्रेड नहीं करवाया जाता है। यहाँ पे दोस्तों दिखाते हैं, ये दोस्तों देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल है और यहाँ पे बहुत सारे, यहाँ दोस्तों देखिए ये मेरा टेलीग्राम चैनल है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों लिंक दिया हुआ है, यहाँ पे आप जाकर के ज्वाइन भी कर सकते हैं, ब्रीता भारती टेक्निकल चार्ट एनालिसिस। और यहाँ पे दोस्तों होल डे आपको क्या होता है, पैटर्न यहाँ पे जाते रहता है, आप लाइव मार्केट में आपको पूरा सपोर्ट मिलता है, ठीक है। यहाँ देखिए दोस्तों यहाँ पे यूपीए में से पैटर्न बना हुआ है, तो इसमें भी दोस्तों अभी हैमर ही बना हुआ है, तो ये इसको आप ना मंडे के लिए रार पे भी रख सकते हैं, आपको हम चार्ट भी बताते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए होल डे आपको मैसेज आते रहता है सारा, ठीक है, फुल सपोर्ट मिलता है चैनल पे, तो आप जाकर के अभी ये दोस्तों पब्लिक चैनल आप जाकर के ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों देखिए यहाँ पे सारा मैसेज दोस्तों होल डे दोस्तों सारा चीज आपको जाते रहता है, आप आराम से यहाँ पे कुछ भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो तो पूछ सकते हैं। और दोस्तों बताएंगे आपको, यहाँ पे देखिए ये मेरा वेबसाइट है और दोस्तों आप लोगों को इस तरीके टेक्निकल से सीखना है, पूरा डेप्थ में सीखना है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों देखिए अर्निंग तो लगा रहेगा मार्केट में, अर्निंग दोस्तों आप कभी भी कर सकते हैं, ठीक है। एक बार यदि आपकी लर्निंग सही से हो जाए ना, एक बार दोस्तों यदि आपकी सही से लर्निंग हो जाए, फिर दोस्तों अर्निंग का कोई टेंशन ही नहीं लेना है, ठीक है। क्योंकि इस मार्केट में दोस्तों बहुत डेप्थ है, आप इस मार्केट में कभी भी पैसे यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। एक बार प्रॉपर आपको ना नॉलेज होना इम्पोर्टेंट होता है, आप सोचेंगे मैं मार्केट में जा रहा हूँ यहाँ पे ट्रेड करके मैं यहीं से ज्ञान ले लूंगा, तो वो कभी नहीं हो सकता है, ठीक है। क्योंकि हम भी आपके जैसे कभी बिगनर थे, बट आज एक प्रोफेशनल है, हमें भी ये समझ में आए, चीजें समझ में आई कि नहीं, एक आपको ना कोई टीचर चाहिए होता है जो आपको प्रॉपर गाइड कर सकता है, उसके बाद आप ट्रेड में पैसे लगे ट्रेड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। तो आप लोगों को यदि इस तरह का टेक्निकल से सीखना है, वो भी डेप्थ में दोस्तों सीखना है, और दोस्तों सबसे अच्छी बात बता रहे हैं कि लाइव मार्केट में दोस्तों मेरा जो ऑनलाइन क्लास है वो लाइव मार्केट में क्लास होता है, ठीक है। 11 AM से 12 PM तक दोस्तों हमारा टाइम है क्लास का, ठीक है, बिल्कुल लाइव मार्केट में लाइव चार्ट पे आपको दोस्तों पढ़ाते हैं। ये नहीं कि कोई भी वीडियो आपको एक बार शूट किए वीडियो और आपको दे दिए, आप वीडियो देखो समझ में आया नहीं समझ में आया मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों। यहाँ पे लाइव मार्केट में पढ़ाया जाता है और ये दोस्तों जूम पे क्लास होता है। और दूसरी बात, कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी है तो आप एट ए टाइम पूछिए मेरे से, ठीक है, क्योंकि लाइव मार्केट में चार्ट पे आपको बता रहे हैं सारा चीज की कैसे हमें ट्रेड करना है, क्या सीखना है, कैसे ट्रेड करना है, ईच एंड एवरीथिंग दोस्तों क्लियर करके। तो आप यहाँ पे वेबसाइट पे जा सकते हैं और यहाँ पे जाकर के दोस्तों यहाँ पे देखिए ये कोर्स है, ठीक है, यहाँ पे कोर्स का डिटेल भी दिया हुआ है। अब दोस्तों यहाँ देखिए ये सिलेबस है, जो सिलेबस कवर करते हैं ये दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये देखिए दोस्तों कैंडलस्टिक पैटर्न हो गया, थ्योरी ऑफ रिट्रेसमेंट दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया, मतलब कि आपको मिनिमम ये 1:2 का देता ही देता है, 1:3 1:4 का भी टारगेट देता है। इंट्राडे स्ट्रेटजी दोस्तों बिल्कुल ही डिफरेंट है, बिल्कुल ही दोस्तों ये डिफरेंट है आपका स्विंग ट्रेड और डे ट्रेड से, ये बहुत ही डेप्थ में दोस्तों बताते हैं। स्विंग ट्रेड, यूज ऑफ ऑप्शन चेन विद पैटर्न, सारा चीज दोस्तों आपको A to Z चीज पूरा आपको क्लियरली बताया जाता है, ठीक है, वो भी लाइव मार्केट में। यहाँ पे दोस्तों आप ये दोस्तों यहाँ पे जो कोर्स फी है ना वो दोस्तों अब 7999 हो गया, ये ऑफर चल रहा था, ये दोस्तों ऑफर खत्म हो गया, ठीक है।
यहाँ पे दोस्तों मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, आप जाकर के मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे आप मुझे फ़ोन कर सकते हैं या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे आप मेरे से चैट कर सकते हैं, आप मेरे से क्वेरी कर सकते हैं। चलिए ओके दोस्तों, धन्यवाद।